चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बड़े बड़े भाग करना सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। भाग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से हल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस भाग को हल करेंगे, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो हमारा भाग दिए 32 का और हमें भाग देना है 7505 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या क्या है 32, तो इसका शुरुआत का अक्षर क्या है 3, तो 3 का हम इस संख्या में भाग देंगे। तो पहले संख्या क्या है 7, तो जब हम 3 का भाग हम 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 × 2 = 6। तो जब हम 3 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और इस 2 का गुणा हम किस में करेंगे, इस संख्या में करेंगे। तो पहले हम 2 का गुणा किस से करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा 4। इसके बाद हम 2 का गुणा किस से करेंगे, 3 से, तो कितना आएगा 6। अब दोस्तों इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, उतारा हम 0 को लेंगे तो संख्या बन जाएगी हमारी 110। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का भाग हम किस में देंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, तो 11 में देंगे। तो जब हम 3 का भाग हम 11 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और इस 3 का गुणा हम किस में करेंगे, हम 32 में करेंगे। तो पहले हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, 3 × 2 = 6। इसके बाद हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 3 × 9। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 को हम 10 मान लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। 1 आंसर इसमें ले लेंगे तो ये 10 आ जाएगी, तो 11 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 1। 1 आंसर यहाँ ले लेंगे तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। उतारा हम किसका लेंगे, 5 का, तो संख्या हमारी क्या बनेगी, यहाँ 145। अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 14 में देंगे। तो 3 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बचेगा, 4 बार, तो 4 × 12, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे और इस 4 का गुणा हम किससे करेंगे, इसमें करेंगे। तो पहले हम 4 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 4 × 2 = 8। इसके बाद हम 4 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 4 × 3 = 12। अब इसको माइनस करेंगे, 5 को 15 मान लेंगे, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7। 1 आंसर इसमें ले लेंगे तो ये संख्या 3 आ जाएगी, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। 1 में से गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यहाँ कोई संख्या बची है, नहीं बची है, तो 17 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट भाग दिया है 63 का, इसको हम हल करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 63 का शुरुआत का अंक कौन सा है, 6, तो 6 का हम 1 में तो जाएगा नहीं, तो 19 में भाग देंगे। तो 6 का भाग हम 19 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और इस 3 का गुणा हम किस में करेंगे, हम 63 में करेंगे। तो पहले हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 3 × 9। इसके बाद हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 6 से, तो 36 × 18। इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 2 को हम 12 मान लेंगे, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 3। 1 आंसर हम इसमें ले लेंगे तो ये 9 जाएगी, तो 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। उतारा लेंगे हम 9 का, तो संख्या बनेगी हमारी 39। क्या 63 का भाग 39 में जाएगा, नहीं जाएगा, अभी 39 संख्या छोटी है और 63 संख्या बड़ी है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा करके हम एक और संख्या उतार लेंगे, तो अगली संख्या हमारी क्या है, 9। तो यहाँ संख्या बन गई अब 399। अब हमारी संख्या 63 से बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो 39 में देंगे। तो 6 का भाग हम 39 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और इस 6 का गुणा हम किस में करेंगे, इस संख्या में करेंगे। तो पहले हम 6 का गुणा हम किससे करेंगे, 3 से, तो 36 × 18 = 8, आंसर की 1। इसके बाद हम 6 का गुणा किससे करेंगे, 6 से, तो 36 में एक आंसर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37, तो यहाँ हम 37 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। उतार लेंगे हम 7 का, तो संख्या बनेगी यहाँ 217। अब हम क्या करेंगे, 6 का भाग हम किस में देंगे, हम 21 में देंगे, 2 में तो जाएगा नहीं, तो 21 में देंगे।
जब हम चेगा भागा हम 21 में देंगे तो कितनी बचेगा, 3 बार 36 18। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और इस 3 का गुणा हम किस में करेंगे, हम 63 में करेंगे। तो पहले हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 से, तो 3 2 9। इसके बाद हम 3 का गुणा किससे करेंगे, 6 से, तो 36 18। इसको माइनस करेंगे, 7 को हम 17 मान लेंगे, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8। एक आंसर इसमें ले लेंगे तो ये संख्या आएगी 9। 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2। एक आंसर इसमें ले लेंगे तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। यहाँ कोई संख्या बची है, अब नहीं बची है, तो 28 हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का हम नेक्स्ट भाग और लेते हैं, उसको भी हम हल करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के हमारे दो भाग हैं, इनको भी हम हल करते हैं। तो पहला भाग हमारा 72 का है और दूसरा भाग हमारा 92 का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाग को हल करेंगे। तो यहाँ संख्या क्या है, 7। 72 की शुरुआत की संख्या क्या है, 7। तो पहले हम 7 का भाग इस संख्या में देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 19 में देंगे। तो 7 का भाग हम 19 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 3 बार तो संख्या 21 बड़ी आ रही है, तो 2 बार जा रहा है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और इस 2 का गुणा हम किस में करेंगे, हम 72 में करेंगे। तो पहले हम 2 का गुणा किससे करेंगे, हम 2 से, तो कितना आएगा, 4। इसके बाद हम 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 7 से, तो 7 2 14। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5। 1 में से गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। उतारा हम 5 का ले लेंगे तो संख्या बनेगी यहाँ 545। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 का भाग हम किस में देंगे, 54 में, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 8 बार तो संख्या बड़ी आ रही है, क्योंकि 7 8 56 होता है, 7 7 49। तो यहाँ हमारा भाग कितनी बार जा रहा है, 7 बार। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे और इस 7 गुणा हम इस 72 में करेंगे। तो पहले हम 7 गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 7 2 14 14 की 4, आंसर की 1। 7 7 49 49 में हम एक आंसर की जोड़ेंगे तो 50। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1, 4 की 4, 5 में से 5 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। उतारा हम 9 का ले लेंगे, संख्या बनेगी हमारी 419। अब दोस्तों हम 7 का भाग हम किस में देंगे, 41 में, तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 6 बार तो संख्या 42 बड़ी आ रही है, तो 7 7 7 5 35, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, इस 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, तो 5 गुणा हम पहले किससे करेंगे, 2 से, तो 5 9 10 10 की 0, हासिल की 1। अब 5 गुणा हम किससे करेंगे, 7 से, तो 7 में 35, 1 हासिल की 36। इसको माइनस करेंगे, 9 की 9, 11 में से 1 को 11 मान लेंगे तो 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5। एक आंसर इसमें ले लें तो 4 में से 4 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। यहाँ कोई संख्या बची है, नहीं बची है, तो ये हमारा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट भाग दिया है उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट भाग दिया है वो 92 का है और हमें इस संख्या में भाग देना है। तो सबसे पहले हम 9 का भाग किस में देंगे, हम 29 में देंगे। तो पहले हम 9 का भाग 29 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 9 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
करेंगे हम 92 में करेंगे। तो पहले हम तीनों गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 3 दूनी 6। अब हम तीनों गुणा किससे करेंगे, 9 से, तो 29 27। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। उतारा हम किसका लेंगे, 5 का। तो संख्या बनेगी यहाँ 2 से 15। अब दोस्तों हम 9 का भाग किस में देंगे, 21 में। तो तीन बार तो संख्या बड़ी आ रही है, तो कितनी बार जा रहा है, 9 दुनी 18, 2 बार। तो इस 2 का गुणा हम किससे करेंगे, हम इस 92 से करेंगे। तो पहले हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 4। इसके बाद हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 9 से, तो 9 दुनी 18। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 1। इसको 11 मान लेंगे, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3। एक आंसर लिस्ट में लेंगे तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। उतारा लेंगे हम 9 का, तो संख्या बनेगी हमारी 319। अब दोस्तों 9 का भाग हम किस में देंगे, 31 में। तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 4 बार तो संख्या ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे।
और इस 3 का गुणा हम इस 92 में करेंगे। तो 3 का गुणा पहले हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 29 27। इसको हम माइनस करेंगे, 9 में से 6 गया तो 3, 1 को हम 11 मान लेंगे तो 11 में से 7 गया तो 4, 1 आंसर लिस्ट में ले लेंगे तो 3 में से 3 गया तो क्या बचा? कुछ नहीं। यहाँ कोई संख्या बची है? नहीं बची है। तो 43 हमारा क्या रहेगा? शेषफल। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।